नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ नक्शा पास कराकर निर्माण करने वाले बिल्डर्स के बारे में। ये ऐसे बिल्डर जिन्होंने बाकायदा नक्शा भी पास कराया है लेकिन इनके खिलाफ भ्रामक खबरें प्रकाशित की जा रही। इस वक्त हमारे साथ हैं रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल राशिद जी। राशिद जी, आपके द्वारा खोजवा में एक खबर प्रकाशित की गई है कि आपका 20,000 स्क्वायर फीट का कोई कॉलोनी निर्माण हो रहा है जो पूरी तरह अवैध है, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शेख अब्दुल रशीद, पार्टनर AR इंफ्रा, जिसके साथ हमारा ये कार्य हो रहा है जिस फर्म के थ्रू, और इस फर्म में हम लोग दो पार्टनर हैं, एक हम हैं और एक हमारे पिताजी हैं, और इसमें कोई तीसरा ना है, ना किसी भी तरीके का किसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारी फर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पे बिलीव करती है और करती है। हमारे पास भी ये कुछ खबरें आ रही हैं दूर दूर से, व्हाट्सएप के ज़रिए से और इस तरीके से, कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अवैध है और HFL के अंदर बना हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा पूरी कॉलोनी पूरी तरीके से स्वीकृत है और ना ही वो HFL के किसी भी क्षेत्र में आती है, ना ही उससे उसका कोई लेना देना है। हमने VDA द्वारा अपना नक्शा स्वीकृत कराया, जिसका ये हमारा प्रमाण पत्र आपके सामने है, जो कि VDA द्वारा ये स्वीकृति प्रमाण पत्र है, जो हमारी कॉलोनी को VDA द्वारा स्वीकृति मिलती है और जिसके लिए हमने अपनी फीस जमा की 1 मार्च 2022 को, और फीस हमने जमा की 44,32,606 रुपये, जिसके जो कि हमारी कॉलोनी को अप्रूव कराने की फीस मानी जाती, जो कि हमने अपने अकाउंट से और गवर्नमेंट के अकाउंट में इसको जमा किया। राशिद जी, आप बता रहे हैं नक्शा भी आपके पास है, फिर क्यों इस तरह की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, क्या है उसकी सच्चाई? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसके अंदर बोलने की आज़ादी हर किसी के पास है, लेकिन हम सिर्फ बोल के नहीं, हम तथ्यों के साथ आपके सामने बैठे हैं और हमारे पास वो तथ्य हैं जो कि छापी गई सारी खबरों को झूठ साबित करता है। और अगर हमारा किसी तरीके का निर्माण अगर अवैध होता तो हमारी चल रही शासनकाल की जो सरकार है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि किसी भी तरीके के अवैध निर्माण को इस तरीके से शहर के बीचों बीच में इतनी आसानी से उसको कोई भी नहीं करा सकता, और इस गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि किसी भी तरीके के हम कारोबारियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। इसी उम्मीद से हम लोग हर विभागीय कार्रवाई, हर मुतालिक के जो भी इनसे मुतालिक रखते हैं, हमने कॉलोनी का नक्शा पास कराया, कॉलोनी के नक्शा पास कराने के बाद हमारे जो अलग अलग ब्लॉक के निर्माण है उसका भी हमने सभी ब्लॉकों का अलग अलग निर्माण का उसका हमने नक्शा पास कराया। राशिद जी, आपके बारे में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आप मुंबई के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के काले धन को इसमें निर्माण में उपयोग कर रहे हैं। खबरों से हमारा ताल्लुक काफ़ी दिनों से चल रहा है और आप भी देख रहे होंगे कि अभी बीते दिनों हमारे घरों पे भी हम लोग भी इनकम टैक्स के उसमें थे, सारी छानबीन हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन किसी भी कागजात पे कहीं पे भी आप इस चीज़ को नहीं पाएंगे। हाँ, ताल्लुक होना एक अलग सी चीज़ है, लेकिन कारोबार होना और दूर दूर तक उनसे हमारे कारोबारी किसी भी प्रकार के कोई भी ताल्लुक ना है और ना भविष्य में शायद होंगे, या मैं नहीं इसके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। और इसका संज्ञान सभी आला अधिकारी, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सारे जो भी विभागीय हैं, उनके पास पूरी तरीके से नॉलेज है और सारी चीज़ें हैं। राशिद जी, आपके ज़मीन का मालिक कौन है, उसके साथ क्या अनुबंध आपका है और किस तरह से आप बिल्डर डेवलपमेंट कर रहे हैं? हमारे ज़मीन के मालिक जो हैं अल्ताफ अहमद साहब हैं और उनका पूरा परिवार। उनके पिताजी के देहांत के बाद पिताजी को उनके नाम पे ज़मीन थी, जो उसके बाद उनके परिवार को मिल गई, जिनके साथ हमारे रजिस्टर्ड अनुबंध है जिसमें 50-50 का हमारा एग्रीमेंट है और हम लोग जो है जॉइंट वेंचर पे काम करते हैं। हमारे ज़मीन के मालिक हम ना है वहाँ पे और ना कुछ है, सिर्फ हमारे निर्माण कार्य का वहाँ पे काम है, जिसके एवज में हमको कुछ डुप्लेक्स मिल जाएंगे जिसको बेच के हम अपना जो उसके अंदर कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। इस अनुबंध में आपने कितनी धनराशि खर्च की है? इस अनुबंध को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए तकरीबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 40-50 लाख रुपये का हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लगा, जो कि फिर उसी तरह जो हमारे रजिस्टर्ड अकाउंट से और सरकारी स्टैम्प के अकाउंट से ट्रेजरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, जिसके एवज में हमने स्टैम्प परचेज कर और इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमने कराया, जो कि हमारे और अल्ताफ जी के बीच में एक दस्तावेज है, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है, कोई उसमें और कोई हेला हवेली वाली कोई बात नहीं। राशिद जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्लाउन टाइम्स के माध्यम से मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा, हमारे जो वेलविशर हैं और हमारे कस्टमर
बनना चाहते हैं और जो भी हमारे प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं या वहाँ पे इच्छुक हैं लेने के लिए, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है, आप बोलने की आज़ादी रखते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरीके के अवैध और HFL किसी भी बाढ़ग्रस्त एरिए में नहीं बन रहा है। अगर कोई भी उसके लिए इच्छुक है और अगर वो सही हैं तो आके हमारे साथ कागजात को कभी भी चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर संतुष्टि पा सकते हैं। हमारा कोई भी कागजात, सारे कागजात हमारे रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से अटैच है और सारे मानकों के साथ हम वहाँ पे कार्य को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये रहे अब्दुल राशिद जी, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का काफ़ी तफसील से जवाब दिया। इनका साफ कहना है कि इनका नक्शा भी पास है, इनकी कॉलोनी का भी नक्शा वांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा पास किया गया है, इनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कुछ भी नंबर दो में नहीं हो रहा है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।